एक बार की बात है, एक घने जंगल में खरगोश और कौवा रहते थे। वे दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। कौवे को जंगल में कुछ भी खाने को मिलते थे, वो उसे खरगोश के साथ मिलकर बांध कर खाया करता था। और अगर खरगोश को कुछ खाने को मिलता तो वो कौवे को जरूर खिलाया करता। खरगोश और कौवे की ऐसी मित्रता देखकर जंगल के सभी जानवर बड़े ही खुश थे। एक दिन खरगोश कौवे को अपने ऊपर बिठाकर जंगल में घूम रहा होता है कि तभी दूर खड़े भेड़िया की नजर उन दोनों पर पड़ती है। खरगोश को देखते ही भेड़िया के मुंह से लार टपकने लगती है। अरे वाह खरगोश, इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा, पर मैं इसे पकड़ूंगा कैसे? खरगोश तो बहुत फुतीले होते हैं, इसीलिए ये मेरे हाथ आसानी से नहीं आएगा। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। फिर भेड़िया वहीं बैठकर एक योजना बना लगाता है कि खरगोश को कैसे पकड़कर खाया जाए। काफी देर सोचने के बाद भेड़िया को एक आइडिया आता है। एक दिन जब खरगोश झाड़ियों में खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी भेड़िया खरगोश के पास जाता है। भेड़िया को देखते ही खरगोश दूर जाकर खड़ा होता है। तभी भेड़िया खरगोश से बोलता है कि अरे खरगोश भाई, आपको मुझसे डरने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती? और मुझसे? पर क्यों? मैं कुछ दिन पहले ही इस जंगल में आया हूँ, और मैं जिस भी जानवर के पास जाता हूँ वो मुझे अपने पास से भगा देते हैं। कोई भी जानवर मुझसे बात नहीं करता है। खरगोश भाई, जैसे आपने कौवे भाई को अपने मित्र बनाया है, उसी तरह मुझे भी अपना मित्र बना लीजिए। मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही दयालु हैं, और मुझ जैसे बेचारे भेड़िया को अपना मित्र जरूर बनाओगे। इस तरह से भेड़िया मीठी मीठी बातें करके खरगोश को अपनी बातों में फंसा लेता है। फिर खरगोश भेड़िया को अपने मित्र कौवे के पास ले जाता है। कौवा भाई, ये भेड़िया है, इस जंगल में नया आया है, और पूरे जंगल में इस बेचारे का कोई भी दोस्त नहीं बना है, इसीलिए आज से ये भी मेरा दोस्त है। अरे भाई खरगोश, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? एक भेड़िया और तुम्हारा दोस्त? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये भेड़िया है भेड़िया, इसे अपना दोस्त बनाना खतरे से खाली नहीं होगा। पर खरगोश कौवे की बात को अनसुना कर देता है और भेड़िया के साथ चल देता है। कुछ ही दिनों में भेड़िया खरगोश का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। एक दिन भेड़िया खरगोश से बोलता है कि अरे भाई खरगोश, मैं तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। इस जंगल के बाहर एक बहुत बड़ा सब्जियों का खेत है, और उस खेत में बहुत सारी गाजर उगी हुई है। क्या गाजर? अरे वाह भेड़िया भाई, फिर तो जल्दी से मुझे उस खेत पर ले चलो। कौवा उड़ते हुए भेड़िया की ये बात सुन लेता है और मन ही मन में ये बोलता है, अरे इस जंगल के बाहर तो कोई खेत नहीं है, फिर ये भेड़िया किस खेत की बात कर रहा है? हो ना हो, जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे इस भेड़िया पर नजर रखनी होगी। फिर भेड़िया खरगोश को जंगल के बाहर ले आता है और उसे खेत दिखाने के बहाने से अपने पास बुलाकर
अपने पंजों में दबोच लेता है। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो मुझे काजर के खेत देखने वाले थे ना, फिर तुमने मुझे अपने पंजे में क्यों जकड़ लिया है? भेड़िया जोर जोर से हंसने लगता है। आखिर तुझे मैंने दबोच ही लिया। कब से इस दिन का इंतजार था मुझे, अब तो मैं तुझे मार कर मजे से खाऊंगा। तभी कौवा अपने कुछ जंगल के साथियों को वहाँ पर ले आता है। फिर कौवे के सभी साथी भेड़ियों को डराकर वहाँ से भगा देता है। और इस तरह से कौवा अपने साथियों की मदद से खरगोश की जान बचा लेता है। कौवा मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और भेड़िया को अपने दोस्त बना लिया। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करनी चाहिए और बिना सोचे समझे इतनी जल्दी किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों, आई बात समझ में? एक बहुत समय पहले की बात है, एक दिन अचानक से जाने कहां से एक आवारा बिल्ली आकर वह लोगों के घरों में उनका कुछ ना कुछ नुकसान करती। कभी किसी का दूध गिर देती तो किसी का दही। इसी वजह से सभी लोग उस बिल्ली से परेशान थे। एक दिन की बात है, वो आवारा बिल्ली सरला के घर में घुस जाती है और उसका सारा दूध गिराकर पीने लगती है। तभी सरला को जोर से बर्तनों के गिरने की आवाज आती है। ये गिरने की आवाज कैसी, जैसे किसी ने कुछ गिरा दिया हो। तो सरला दौड़कर रसोई में जाती है तो बिल्ली को दूध पीते हुए देखकर चौंक जाती है। सत्यानाश हो बिल्ली का, सारा की सारा दूध गिरा दिया और अब मुझे फिर से सारी रसोई साफ करनी पड़ेगी और फिर ऊपर से दूध का कच्चा और उबलना भी पड़ेगा। सरला फिर से बाजार से दूध खरीद कर लाती है और दोबारा उबालती है। उस दिन सरला का सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। शाम होती है तो सरला रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और खाना बनाकर उसे ढककर रख देती है और कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। तभी एक दड़ाम की आवाज आती है। अब क्या हो गया, किसने क्या गिरा दिया? सरला जल्दी से रसोई में जाकर देखती है तो उसका सारा खाना नीचे गिरा पड़ा हुआ है और बिल्ली उसे चाट चाट कर खा रही है। जैसे ही बिल्ली सरला को देखती है तो वह बिल्ली मियाँ मियाँ करती हुई रसोई से भाग जाती है। और फिर से बिल्ली को दूध गिराते हुए देखकर सरला को बहुत गुस्सा आता है। हे भगवान, इस बिल्ली ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर रखा है, मेरा सारा खाना गिरा कर खराब कर दिया। नाश हो इस बिल्ली का, जब देखो ये बिल्ली कुछ ना कुछ नुकसान कर चली जाती है। अब मुझे फिर से खाना बनाना पड़ेगा और ऊपर से रसोई को भी दोबारा साफ करना पड़ेगा। इसी तरह वो आवारा बिल्ली हर रोज सरला का कुछ ना कुछ नुकसान करके चली जाती है। कभी वह दही गिरा देती है तो कभी दूध, और ना तो खाना ही खराब कर देती है। सरला खाने पीने का सामान कभी भी छुपा कर रख लेती, फिर भी वो आवारा बिल्ली कैसे भी करके उस सामान तक पहुँच कर उसे या तो छट कर जाती या खराब ही कर देती। और सरला बेचारी उस बिल्ली का कुछ नहीं कर पाती है। एक दिन की बात है, सरला के बेटे का जन्मदिन था तो सरला रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही थी। सरला ने बहुत ही स्वादिष्ट बादाम वाली खीर और बिरयानी भी बना रही थी और साथ में उसे डर भी सता रहा था और सोचने लगती है, कहीं बिल्ली आकर मेरी बिरयानी और खीर ना खा जाए। मैं एक काम करती हूँ,
मैं इसे एक ऊंची जगह पर रख देती हूँ जिससे बिल्ली खीर बिरयानी तक पहुँच ही ना पाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। सरला बिल्ली के डर से खीर और बिरयानी के बर्तन को अलमारी के ऊपर एक जगह रख देती है जिससे बिल्ली उस तक ना पहुँच पाए। फिर वह घर के और बाकी के कामों में लग जाती है और तभी उसे फिर से धड़ाम से बर्तन की गिरने की आवाज आती है। तो सरला दौड़कर रसोई में जाती है और बिल्ली को खीर बिरयानी गिराकर खाता हुआ देखती है तो वह आग बबला हो जाती है। इस बिल्ली ने तो मेरे नाक में दम कर दिया। मुझे जल्दी ही इस बिल्ली का कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। उस दिन से सरला उस बिल्ली को भगाने की हर मुमकिन कोशिश करती पर हर बार बिल्ली सरला को चकमा देकर उसका कुछ ना कुछ नुकसान किए बगैर नहीं मानती है। उस दिन के बाद से सरला उस आवारा बिल्ली को भगाने की ठान लेती है। कुछ भी हो जाए, मैं इस आवारी बिल्ली को घर में घुसने नहीं दूंगी। इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। सरला बिल्ली को मारने के लिए दरवाजे के पीछे एक बड़ा डंडा रख लेती है और साथ ही उसके खाने के लिए नीचे दूध, दही और भी सामान रखकर उसका हर घड़ी निगरानी करने लगती है। शाम का समय था, तभी बिल्ली मौका देकर सरला की रसोई में घुस जाती है और दूध पीने लगती है। तभी एक जोर की बर्तन की आवाज होती। लगता है बिल्ली आ गई। आज चाहो जो हो जाए, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सरला दरवाजे से डंडा लेकर आती है और जोर से जैसे ही बिल्ली को मारती है तो बिल्ली तो भाग जाती है और फिर सरला फिसल कर गिर जाती है। हाय रे, मेरी कमर। अरे कोई है, मर गई रे। अरे कोई तो मुझे उठाओ। सरला बिल्ली को मारने के चक्कर में बुरी तरह गिर जाती है और उसे बहुत चोट आती है। उस दिन से सरला बिल्ली को भगाना छोड़कर खुद ही अपने खाने पीने के सामान अच्छे से रखवाली करने लगती है।